दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल मिस्टर फिल्मी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 में रिलीज फिल्म इशक ज़ादे के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। इशक ज़ादे फिल्म 11 मई 2012 को 1100 स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन ड्रामा रोमांस टाइप की फिल्म थी। इस फिल्म की रनिंग टाइम 132 मिनट थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग 6.5 मिली हुई है। इस फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म के बैनर तले किया गया था। ऐसी मार खाएगा फिर कभी सुसुना कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में। तो इस फिल्म का बजट 16 करोड़ था। इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन इसका 47 करोड़ था और इस फिल्म ने फर्स्ट डे पर 4.45 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वीकेंड पर इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म ने 67 करोड़ की शानदार कमाई की थी। तो यह फिल्म 2012 में बॉक्स ऑफिस पे कमाई के मामले में 17वें नंबर पर थी। 2012 में बॉक्स ऑफिस पे कमाई के मामले में नंबर वन पर थी एक था टाइगर, जो 198 करोड़ रुपए कमाई थी। पे थी दबंग 2, जो 155 करोड़ रुपए कमाई थी। थर्ड पे थी राउडी राठौर, जो 133 करोड़ रुपए कमाई थी। फोर्थ पर थी जब तक है जान, जो 120 करोड़ रुपए कमाई थी। और फिफ्थ पर थी अग्निपथ, जो 115 करोड़ रुपए कमाई थी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट हॉबी आपकी? जी, 8 साल पहले थी। अब मेरी हॉबी शिकार करना। इशक ज़ादे फिल्म को हबीब फैजल ने डायरेक्ट किया था और स्क्रीन प्ले और स्टोरी का भी काम इन्होंने ही किया था। हबीब फैजल इस फिल्म से पहले 2 दुनी 4 को भी डायरेक्ट कर चुके थे। इशक ज़ादे मूवी से पहले इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायलॉग का काम कर चुके थे। इशक ज़ादे मूवी को प्रोड्यूस बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने किया था, जो बॉलीवुड के शानदार मूवी दिलवाले दुनिया ले जाएंगे और मोहब्बतें जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है उन्होंने। देखिए म्यूजिक एल्बम के बारे में, इशक ज़ादे फिल्म में 5 गाने रखे गए थे। ये गाने थे इशक ज़ादे, छोकरा, परेशान, झल्ला वल्ला और आफ्तों के परिंदे। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे और लोगों के द्वारा उस समय बहुत पसंद किए गए थे। इन सभी गानों में अपनी आवाज़ दी थी जावेद अली, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, सुनिधि चौहान, सलमानी खोलगटे, दिव्या कुमार और सूरज जगन ने। इस फिल्म के एक गाने परेशान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर सहमाली खोलगटे को दिया गया था। इस फिल्म में हमें नज़र आए थे अर्जुन कपूर, प्रणति चोपड़ा, गौहर खान, रतन सिंह, अनिल रस्तोगी, नताशा रस्तोगी, चारू, प्रवीण, आराध्या, आकाश, शशांक। लाइट ऑफ करो, चलो। कहाँ? कब्रिस्तान। इशक ज़ादे। अब हम जान लेते हैं इशक ज़ादे मूवी के अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स नंबर 1, इस फिल्म का पहले नाम तेवर रखा जाना था, लेकिन बाद में इसे बदलकर इशक ज़ादे कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इशक ज़ादे मूवी करने के 3 साल बाद 2015 में तेवर मूवी में भी अर्जुन कपूर ने काम किया था। फैक्ट नंबर 2, इशक ज़ादे मूवी की अधिकतर शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई में की गई थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की एक सीन की शूटिंग हरदोई के बस स्टैंड पर शूट की जा रही थी और वहां शूटिंग देखने के लिए करीब 20,000 से 30,000 लोग इकट्ठा हो गए, जिससे पूरी फिल्म शूटिंग की टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म का एक गाना छोकरा हुआ जवारे की शूटिंग बाराबंकी में चल रही थी। उस समय जनवरी का मौसम था और ठंड बहुत थी, करीब 4 से 5 डिग्री का तापमान था और गाने में अर्जुन कपूर शर्ट के साथ शूटिंग करना था और गौहर खान को भी। इस फिल्म को शूट करने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने इस भूमिका को अच्छे से निभाया। फैक्ट नंबर 5,
इस फिल्म के एक शूटिंग में प्रणति चोपड़ा को पिस्टल चलाना था। पिस्टल चलाने के क्रम में प्रणति चोपड़ा घायल हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। उनको हाथ और पैरों में बहुत चोट आई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के कुछ सीन में प्रणति चोपड़ा के वॉयस को डब किया गया। ये डब मोना घोष सेट्टी से कराया गया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के एक शूटिंग में अर्जुन कपूर भी घायल हो गए थे और उनके हाथों के मांसपेशियों में बहुत चोट आई थी। हाथ मत लगाना वरना सच में गोली मार दूंगी। पहले माफी तो दे दे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भी फिल्म के आपके बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।